उपहार कांड के दोषी गोपाल अंसल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है, लेकिन उनके भाई सुशील अंसल की सजा बढ़ाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इस बाबत कहा है कि दोनों पर लगाया गया 30-30 करोड़ का जुर्माना अत्यधिक नहीं है। आपको बता दें, 13 जून 1997 को दिल्ली के उपहार सिनेमा में भयंकर आग लगी थी। इस अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हो गई थी। गोपाल अंसल और सुशील अंसल इस उपहार सिनेमा के मालिक हैं। विकेटकीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत को गौतम गंभीर की जगह दिल्ली की कैप्टनशिप मिली है। चयन समिति के अध्यक्ष अतुल वासन ने गंभीर को इस फैसले की जानकारी दे दी है। बहत्तर गेंदों और 300 रनों की नाबाद पारी खेलने के साथ ही मोहित अहलावत, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, 13 शतक जड़ दिया है T20 टूर्नामेंट में। दिल्ली में खेले गए एक लोकल टूर्नामेंट के तहत मावी एकादश और फ्रेंड्स एकादश के बीच खेले गए मैच में मोहित अहलावत ने ये कारनामा कर दिखाया।